मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। मुमरा पुलिस ने मुमरा बाईपास पर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने के मामले में नादिर मोहम्मद तारिक सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मुमरा बाईपास पर गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि मुमरा देवी के नज़दीक 3 लोग एक ट्रक ड्राइवर से लूटपाट कर रहे थे, जिनमें से 2 भागने में कामयाब रहे, मगर 1 आरोपी को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बाल छोटे कटने की वजह से नाराज लड़के ने अपनी जान इमारत से कूद कर दे दी है। मामला भयंदर के पूर्व न्यू गोल्डन एरिया में सोनम इंद्रप्रस्थ नाम की एक इमारत है। 13 साल का शत्रुघ्न राजीव पाठक 8वीं का छात्र था। चचेरे भाई के साथ वो बाल कटवाने गया था और छोटे बाल कट जाने की वजह से नाराज हो गया। परिवार के लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर छोटे बाल कटने की वजह से शत्रुघ्न इमारत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन पर शौचालय का केयर टेकर यात्रियों से शुल्क वसूल रहा है। एक महिला यात्री ने इसकी शिकायत ट्विटर पर की, जब जाकर रेलवे प्रशासन जागा। महिला ने अंग्रेजी में ट्वीट किया, ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वॉशरूम में केयर टेकर टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए 20 से 30 रुपये चार्ज कर रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार ये मुफ्त होना चाहिए या न्यूनतम शुल्क होना चाहिए, कृपया मामले को देखें। मामले पर रेलवे सेवा ने संज्ञान लिया और शिकायत मुंबई DRM को भेजी गई। उन्होंने मध्य रेलवे के वरिष्ठ DCM को शिकायत भेजी। DCM ने ठाणे के केयर टेकर पर जुर्माना लगा दिया है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ने बुधवार को कहा है कि राज्य में मुगल शासन चल रहा है। आदित्य ने ऐलान किया है कि वह अगला विधानसभा चुनाव ठाणे से लड़ेंगे। 2 दिन पहले ही ठाणे में शिवसेना की महिला नेत्री पर हमला हुआ था। इसी के विरोध में आदित्य ठाकरे ने भाषण के दौरान ये कहा है। वही खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां चोर समझकर ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी और पिटाई भी इस कदर की गई कि इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। पूरा मामला देहात कोतवाली इलाके के पथरी बाजार का है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जबकि 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुफड़िया लच्छीपुर में एक 40 वर्षीय युवक जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, वो रात के समय गांव में आ गया था। गांव के लोगों ने उसको चोर समझ करके पिटाई की थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जानकारी करके परिजनों को बुलाया गया था। परिजनों के साथ इलाज के लिए ले जाते समय उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है और उसमें परिजन जो उसके थाना वजीदगंज क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं, उनकी तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर उचित 4 लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष अन्य की शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है।